गुड आफ्टरनून। आज हम सीखेंगे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो कि एक लीडिंग बैंक है सरकारी के क्षेत्र में, इसका सेविंग बैंक अकाउंट ऑफलाइन किस से भरते हैं। तो ये मेरे पास फॉर्म है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, तो इसमें एंट्रीज होती हैं टोटल 6 से 7 पन्ने का टोटल फॉर्म है। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या एंट्रीज है, किस तरह भरनी है। टॉप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर SOL ID पूछा है, तो ये आपको नहीं भरना है। और यहाँ पर आपका टाइप ऑफ खाता पूछा है, सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट, तो सेविंग अकाउंट में हम टिक लगा देंगे। अकाउंट स्कीम छोड़ देंगे, टर्म डिपॉजिट छोड़ देंगे, पीरियड मंथ ये सब छोड़ देंगे। पर्पस ऑफ अकाउंट्स में हम सेविंग डाल देंगे कि हम बचत के लिए इस अकाउंट को खुलवा रहे हैं। ऊपर आपसे अकाउंट नंबर पूछा है, ये हम छोड़ देंगे। लेड ID पूछा है, ये सब छोड़ देंगे। ये बैंक आपकी बिहाफ भरेगी एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग। कस्टमर ID बैंक आपको देगा अकाउंट खुलने के बाद 1 हफ्ते बाद। डेबिट कार्ड नंबर आप छोड़ देंगे, ये बैंक आपको देगा खाता खोलने के बाद। अब आता है आपकी डिटेल, यहाँ पे टाइटल में अपना टाइटल दीजिएगा जो कि हम लगाते हैं मिस्टर मिस मिसेस। उसके बाद अपना नाम लिखिएगा, मिडिल नेम लिखना है और लास्ट में सरनेम लिखना है। अगर आप जॉइंट खाता खुलवाते हैं तो सेकेंड एप्लीकेंट यानी जिसके साथ आप खुलवाते हैं तो उसका टाइटल, नाम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। अगर 3 लोग मिल के खुलवाना चाहते हो यानी 3 लोग जॉइंट खाता खुलवाना चाहते हो तो उस इंसान का 3rd पर्सन का टाइटल, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। और यहाँ पे आपको तब कॉलम ये वाला यूज़ करना है अगर आप माइनर है, यानी कि अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो ये वाला कॉलम आपको भरना है। इस कंडीशन में जिस जो भी इंसान का नाम है जो 18 साल से कम है, अगर वो खाता खुलवाना चाहता है, वो अपना टाइटल, फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम और लास्ट नेम कैपिटल लेटर में यहाँ भर दे। और अब उसके क्योंकि माइनर है तो उसको एक जने को उसका गार्जियन बनना पड़ेगा। जो भी उसका गार्जियन बनेगा उसको अपना रिलेशनशिप बताना है माइनर के साथ। जो भी उसका रिलेशनशिप है उसमें टिक लगा सकते हैं, फादर, मदर, पी होल्डर, कोर्ट अपॉइंटेड या अदर्स। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे घोषणा पत्र है यानी कि डिक्लेरेशन बाय गार्जियन। जो भी उसका गार्जियन बनेगा उसको बकायदा ये फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, उसमें बताना पड़ेगा उसका रिलेशनशिप क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ बतानी पड़ेगी, कोर्ट का सेंटेंस दिखाना पड़ेगा जहाँ वो उसको अलाउ करता है कि वो उसका गार्जियन बन सकता है। कॉपी इनक्लोज्ड आपको एक फ़ोटो कॉपी भी लगानी पड़ेगी। और यहाँ पे आप बकायदा लिखा है, फर्दर डिक्लेयर द मनी विड्रॉन फ्रॉम द अकाउंट विल बी यूटिलाइज फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर ओनली। यहाँ पे गार्जियन को साइन करना पड़ेगा। फिर बताना चाहता हूँ कि कॉल आपको तभी भरना है जब आप आपका जो अगर आप अकाउंट खुलवा रहे हैं, अगर आप छोटे हैं 18 साल से कम, तो आपको एक गार्जियन अपॉइंट करना पड़ेगा, वो आपके बिहाफ इस कॉलम को भरेगा। अगर आप 18 साल से ऊपर तो ये कॉलम आपको नहीं भरना है। कम्युनिकेशन एड्रेस में आपको अपना एड्रेस डाल देना, 2 कॉलम दे रखे हैं बड़े बड़े, उसमें आप अपना एड्रेस डाल सकते हैं। सिटी / डिस्ट्रिक्ट में अपना सिटी का नाम डाल दीजिएगा, स्टेट में स्टेट का नाम डाल दीजिएगा, मोबाइल नंबर है जो भी नंबर आपको डाल दीजिएगा, चलता हुआ डालिएगा, डेड नंबर नहीं डालना है। ईमेल आईडी अगर है तो आप डाल दीजिएगा अपनी, कोई भी ईमेल आईडी हो, जीमेल, ईमेल, याहू, जो भी हो। अब यहाँ पे आते हैं इंट्रोडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वेल यहाँ पे आपको ऐसे इंसान से ये फॉर्म भरवाना है, ये वाला कॉलम, जिसका यूनियन बैंक में ऑलरेडी अकाउंट है और मिनिमम 6 महीने पुराना अकाउंट यानी 6 महीने हो चुके होने चाहिए अकाउंट खुले हुए उस इंसान के। तो उस इंसान का डिटेल लेना है, उसका टाइटल जो भी लगाता है, उसका नाम, जिस नाम से खाता चल रहा है वो आपको नाम डलवाना है उस इंसान से, ना कि उसका नॉर्मल नेम डलवाना है। खाता नंबर जो भी उसका खाता नंबर है, उसका मोबाइल नंबर, कस्टमर आईडी बैंक जो भी ने उसको दे रखी होगी तो वो इसका कस्टमर आईडी आप डलवा देनी है। और यहाँ पे वो डिक्लेरेशन में वो आपको ये उसको भरना है कि आई वी कंफर्म डेट अकाउंट यूनियन बैंक ओवर 6 मंथ, आई हैव पर्सनली नोन द एप्लीकेंट। वो आपको कितने साल से जाता है ये आपको लिखना है, साल लिखने, मंथ लिखने, यानी कि कितने साल से वो आपको जानता है, तो ये आपको साल और ईयर लिख देना है। और ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ डेट डाल दीजिएगा जिस दिन फॉर्म जमा करें, प्लेस में सिटी का नाम, उस इंसान के साइन चाहिए इंट्रोड्यूसर के। और यहाँ पे आप ये कॉलम पूरी तरह से भर चुका है इंट्रोड्यूसर का। अब कॉलम 4 में लिखा है कि खाता खोलने के लिए भुगतान का ब्यूरो, यानी कि अगर पहला पेमेंट करेंगे तो आप किस फॉर्म में करेंगे, कैश में करेंगे तो कैश में टिक लगा दीजिएगा, जितने में अकाउंट खोल रहे हैं जितने पैसे का, 1000 से अकाउंट खोलने 1000 लिख दीजिएगा। अगर ये कैश में नहीं दे रहे, चेक में दे रहे हैं, तो चेक का नंबर आपको डालना होगा, बैंक नाम किस बैंक का है और ब्रांच किस ब्रांच में ड्रॉ किया गया है। तो वेल page 1 पूरी तरह से भर चुका, अब हम पहुँचते हैं page 2 पे। वेल गाइज हम page 2 पे आ चुके हैं। तो column 5 कह रहा है कि फैसिलिटीज़ रिक्वायर, क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ चाहिए, इसमें आपको टिक लगाना होता है कि पहले अकाउंट टाइप पूछा है, क्लासिक, सिल्वर,
गोल्ड प्लेटिनम, तो इसमें बेटर होगा कि आप क्लासिक मेटिक लगाएं। ये भी एक तरह के कुछ अलग सी फैसिलिटीज़ देती है सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम वाले, तो ये आप बैंक में जाके कंफर्म कर सकते हैं कि क्या फैसिलिटीज़ इन सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम में है, और या सिंपली आप क्लासिक में टिक लगा सकते हैं जो ऑल इन वन है, सब तरह की फैसिलिटी आपको क्लासिक में मिल जाएगी। चेकबुक में टिक लगा दीजिएगा, और चेकबुक कैसे चाहिए, ब्रांच लेनी है, घर पे चाहिए, उसमें आप टिक लगा सकते हैं। तो मैंने तो यहाँ कम्युनिकेशन एड्रेस पे टिक लगा दिया। ईमेल से स्टेटमेंट चाहिए, मोबाइल बैंकिंग चाहिए, डेबिट कार्ड चाहिए, डेबिट कार्ड पर टिक लगा दीजिएगा, बहुत काम की चीज़ है। स्विप इन फैसिलिटी, वेल ये फ़ायदा आपको तब मिलेगा अगर आप इस खाते के लगे हाथों, अगर आप जैसे टर्म डिपॉजिट जैसे FD करवाना चाहते हैं, तो उसमें होता यह है कि आपको एक नियमित अपने अकाउंट में एक कोटा सेट करना पड़ता है कि उसके ऊपर अगर आपके अकाउंट में पैसे जमा हो जाए, चाहे इंटरेस्ट से या कोई ना कोई तरह से, अगर आप अकाउंट एक अपने को सीमा से ऊपर अगर पैसा चला गया, तो वो एक्स्ट्रा पैसा जो सीमा से ऊपर जाता है वो आपके एक FD में चला जाता है। तो इस कॉलम में टिक लगाएंगे तो एक तरह से बैंक को परमिशन आप दे देंगे कि वो ऐसा आपके अकाउंट से कर सके। तो अगर आप टर्म डिपॉजिट नहीं खुलवाते हैं इसके साथ, FD नहीं खुलवाते, तो उसको टिक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉरन रेमिटेंस एक्सपेक्टेड, अगर आपका कोई जाने वाले विदेश में रहता है, विदेश से पैसे भेजता है, तो आपको इसमें टिक लगाना है, कंट्री कोड छोड़ देना है, और ये तब यूज़ होगा जब विदेश से पैसा आता है। तो यहाँ पे अगर आपका करंट अकाउंट है, तो आपकी टर्नओवर आपको लिखने की कितनी आपको टर्नओवर मिलती है। वेल उसे नीचे पूछ रखा है कि इसके नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको आई ऑथोराइज द बैंक ऑटोमेटिकली रिन्यू द डिपॉजिट विद एक्यूर्ड इंटरेस्ट ऑन द सेम वे, यानी कि अगर आप इंटरेस्ट से जुड़ा यहाँ पे कॉलम है, यहाँ पे आपको टिक लगा देना है। इसमें कॉलम ये बता रखा है आप बैंक से को ऑर्डर दे रहे हैं कि जितना भी मेरा इंटरेस्ट बनता है सेविंग अकाउंट पे, आप उसको ये जो कॉलम दे रखे हैं मंथली क्वार्टरली, जब भी आप चाहते हैं कि वो बैंक आपके इंटरेस्ट को आपके अकाउंट में क्रेडिट करे, वो बता सकते हैं मंथली चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, हाफ ईयरली या ईयरली। तो मैंने मंथली पर टिक लगा दिया। और कैसे चाहिए आपको करंट अकाउंट में या सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए, तो उसमें टिक लगा देंगे। ट्रांसफ़र से पहले अकाउंट नंबर तो आपका है नहीं, नया खाता है, तो आप छोड़ देंगे। अगर आप दूसरे चाहते हैं कि कोई दूसरे बैंक में इंटरेस्ट से क्रेडिट हो, तो यहाँ उस बैंक का नाम डाल दीजिएगे, ब्रांच डाल देंगे उसके सामने, और अकाउंट नंबर आप डाल सकते हैं उस बैंक का जहाँ हम चाहते हैं कि ये ट्रांसफ़र हो जाए। NEFT में टिक लगा देंगे, क्योंकि बैंक जो है इस केस में जब दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करती है तो NEFT होता है। तो वेल कॉलम 6 में हम आएंगे, तो वेल यहाँ पे डिक्लेरेशन है, इसको आप पूरा पढ़ सकते हैं। यहाँ नेम ऑफ द प्राइमरी एप्लीकेंट आप खुद हैं, तो अपना पूरा नाम लिखेंगे, नाम के वीडियो ब्लॉक छोड़ देंगे, अकाउंट नंबर छोड़ देंगे, ब्रांच का नाम डाल देंगे जहाँ से आपने फॉर्म लिया है और जमा करेंगे। यहाँ सिंगल में टिक लगा देंगे, अगर जॉइंट खाता होता है तो जॉइंट में टिक लगा देते। यहाँ अपना नाम डाल देंगे, पूरा नाम जो अभी तक आप डालते आ रहे हैं। यहाँ पे आपने फ़ोटो चिपकानी रंगीन, एक क्रॉस साइन करना है फ़ोटो पे, एक साइन एक नीचे यहाँ पे करना है। ध्यान रखिए साइन वही बड़े गौर से करिएगा, क्योंकि बाद में चेंज नहीं होगा, और आने वाले फॉर्म में भी हम इसी तरह का साइन इसी फॉर्म में करते रहेंगे। डेट में डेट डाल देंगे, प्लेस में सिटी का नाम डाल देंगे। अगर जॉइंट खाता होगा तो दूसरे एप्लीकेंट का फ़ोटो यहाँ, उसका साइन यहाँ होगा, एक साइन उसके फ़ोटो पर क्रॉस होगा। तो ये कॉलम भर चुका है, यहाँ बैंक यूज़ के लिए, तो ये कॉलम आपको नीचे नहीं भरने हैं। तो page 2 पूरी तरह से भर चुका है। वेल गाइस हम page 3 में आ सकते हैं, और ये फॉर्म, ये जो पेज है, ये है नॉमिनेशन का, जो भी वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आपको कुछ हो गया तो आपके मरने के बाद जो भी आपके अकाउंट को कंट्रोल करेगा वो नॉमिनेशन होता है। तो नॉमिनेशन चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मस्ट है, इसको ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे आए है, जॉइंट खाता नहीं है, तो वी कार्ड देंगे, आए अपना पूरा नाम डाल देंगे, यहाँ ब्रांच का नाम डाल देंगे जिस ब्रांच में खाता खोलने जा रहे हैं, और यहाँ नेचर ऑफ डिपॉजिट में सेविंग बैंक अकाउंट डाल देंगे। अकाउंट नंबर क्योंकि खुलवा रहे तो छोड़ देंगे। अब जिसको आप चाहते हैं कि वो, ये पहले से आप कॉलम पढ़ लीजिएगा पूरी, ये सब है कि आप नॉमिनेट किसको करना चाहते हैं अपना नॉमिनी। तो यहाँ पे नेम ऑफ द नॉमिनी में टाइटल डाल देंगे, और यहाँ पे नॉमिनी का नाम डाल देंगे, जो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, रिलेशन डाल देंगे, क्या आपका रिलेशन है, यहाँ उस इंसान का एड्रेस डाल देंगे जिसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं, सिटी डाल देंगे, पिन कोड डाल देंगे, ईमेल आईडी है अगर उसकी तो डाल देंगे, स्टेट डाल देंगे, मोबाइल नंबर डाल देंगे उसका अगर आपका, और उसकी डेट डाल देंगे, उसकी डेट ऑफ बर्थ नॉमिनी की डाल देंगे। अगर आप नॉमिनी कोई ऐसे इंसान को बनाना चाहते हैं जो 18 साल से कम है, तो उस कंडीशन उसका टाइटल, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आप इंश्योरेंस डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट से अगर होती है,
यानी कि अगर डेथ एक्सीडेंट से होती है उस कंडीशन में नॉमिनेशन ऑफ द प्राइमरी डेबिट कार्ड जो होगा आपका उसका अगर आपको नॉमिनेशन करना है तो उस इंसान का नाम आप यहाँ पर डाल सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ से नॉमिनेशन का नाम भी ले सकते हैं, यहाँ रिनेशन डाल देना है, यहाँ उसकी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। नॉमिनेशन फॉर एड ऑन कार्ड, यानी कि अगर आप डेबिट कार्ड में किसी और का भी नाम चाहते हैं खासतौर पर नॉमिनेशन का, तो उस कंडीशन में उस इंसान का नाम डाल देंगे, रिनेशन डाल देंगे, उसकी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। यहाँ पर आपको अपने साइन करना है, ध्यान रखिए साइन वही करना है जो अब तक आप करते आ रहे हैं, यहाँ अपना नाम डाल देंगे। जॉइन खाता होता है तो दूसरे इंसान का यहाँ नाम सिग्नेचर और नाम होता है। यहाँ पे जो भी नेम हो तो विटनेस में जो भी अभी तक आप नॉमिनेशन जिसको भी बनाए हैं उसका नाम और एड्रेस डलवा दीजिएगा उसके हाथों। यहाँ डेट डाल देंगे जिस दिन फॉर्म जमा करें, यहाँ प्लेस में सिटी का नाम डाल देंगे और यहाँ सिग्नेचर करवा लेंगे। नॉमिनेशन जिसको भी आपने नॉमिनी बना रखा है उनसे उस इंसान से यहाँ पर सिग्नेचर करवाना है। तो ये कॉलम भर चुका है, यहाँ पर हम नीचे इसकी रिसिप्ट है जो कि बैंक आपको बाद में दे देगा। एक तरह से ये रिसिप्ट का काम करती है नॉमिनेशन का। तो वैन तीन पेज भर चुके हैं, वैन इसके आगे का पार्ट अपने तीन पेज हम दिखाएंगे अपनी अगली वीडियो में, ताकि वीडियो लंबी ना हो और आप बोर ना हो। तो वैन उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं नई इसका सेकेंड पार्ट के लिए, तब तक टेक केयर फ्रेंड्स, बाय।